अब आपके वीडियो के बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए, आपको भी इस बात की जानकारी होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, बीएसएफ का कोई अधिकारी भी वहां पर जांच के लिए पहुंचा है, ये भी बताया गया है? जी, मेरे को वहां से शिफ्ट कर दिया गया, बटालियन हेडक्वार्टर लाया गया है। कमांडेंट साहब से बात हुई है, उन्होंने मेरे से पूछा है भाई आपने ऐसा किया है, मैं बोली बिल्कुल किया है, तो बोला ठीक है हम देखते हैं, यही मिला है आश्वासन, अभी जांच होगी नहीं होगी वो तो होगी तो मैं बताऊंगा जरूर आपको। जी, अनुशासनहीनता तो देखो मैं तब मानता हूँ जब कोई चीज गलत हो, या कोई सिक्योरिटी संबंधित हो, या देश का कोई नुकसान हो, ऐसा कुछ हुआ उस चीज का, अगर मैं कोई लॉस हो रहा हो तब मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई तो काम किया नहीं। जो सच है, जो हमारा राइट्स है, ह्यूमन राइट्स ने जो अधिकार दिए हैं उन्हीं का तो पालन किया है मैंने, इसके तो बरखिलाफ तो कोई काम किया नहीं। तेज बहादुर यादव जी, अभी बीएसएफ की तरफ से विज्ञप्ति आई है, उसमें कई तरह के सवाल हैं। कहा जा रहा है कि आपने सही तरीका नहीं अख्तियार किया, मतलब शिकायत करने का जो तरीका होता है वो ना अख्तियार करके आपने वीडियो अपलोड किया जो कि गलत था। जी, जिस जगह में मैं हूँ वहाँ की जो कंडीशन है, वहाँ के जो प्रेजेंट कमांडर है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया, तीन बार किया, चार बार किया, जब नहीं कोई एक्शन हो रहा है, क्या तो सच्चाई दिखाना गलत है क्या, आप बताइए। मैंने अपने देश के नागरिकों को सच्चाई दिखाया है, तो वो तो मैं तो गलत नहीं समझता उसको। वहाँ पर किस तरह के हालात है? तो बार बार शिकायत करने के बावजूद मजबूर होकर ये वीडियो डालना पड़ा है। जो इसमें वीडियो में आपने बताया है और वहां पर जो हो रहा है, एक बार आप बताएंगे किस तरह के हालात है, कि क्या खाने की क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जीरो ग्राउंड से दिखाया है, जो सच्चाई था आपके सामने ग्राउंड में दिखाया है, जो हकीकत था वही मैंने दिखाया है। वीडियो जो मेरे पास मेरे को मिला है खाना, वही मैंने आपको ग्राउंड में दिखाया है। लेकिन तेज बहादुर यादव जी, आपके भी करियर रिकॉर्ड्स अब निकल कर सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप बताइएगा कि आप पर भी चार बार कड़ी सजा हुई है, कमांडर पर बंदूक ताने तक के आरोप आप पर लगे हैं, आप पर भी कई इस तरह के संगीन आरोप लग चुके हैं पूरी सर्विस के दौरान। हाँ जी बिल्कुल, आरोप लग चुके हैं, तो जो आरोप लगा रहे उनसे ये भी पूछो ना कि फिर मैं अगर भी ऐसा ही था तो मेरे को अवार्ड भी क्यों दिए गए। 14 बार सम्मानित कर चुका हूँ, 1 बार गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने ऑलराउंड बीएसएफ का बेस्ट ऑलराउंड बेस्ट गोल्ड मेडल भी दिया हुआ है, उसके बावजूद जो ये सजाएं मिली उसको सब मैंने रिकवर किया। चलो गलती इंसान करता है, उसकी मैंने सजाएं काटी, मानता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद फिर मेरे को अवार्ड भी क्यों दिए गए ना। मैं अच्छा अब क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि जो सच है वो इसकी इंक्वायरी हो, जांच हो, इसकी पूर्ण रूप से जांच हो, और जो सामने आए क्लियर हो जाएगा।